बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो हमने पिछले वीडियो में लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर स्टार्ट किया था एंड उस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, हमने ग्राफ्स डिस्कस किए थे एंड उसके बाद हमने कुछ मेथड स्टार्ट किए थे हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, राइट। उसको हमने पढ़ा, फर्स्ट मेथड हमने पढ़ लिया था, उसमें दैट वाज दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। तो आज हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं आगे, जो कि हमारा नेक्स्ट मेथड है, द सेकेंड मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, ओके, दैट इज द एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो ध्यान से देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या है। देखो नाम से क्लियर हो रहा है ना कि एलिमिनेट करना है कुछ, एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब खत्म करना है, ठीक है, हटाना है। तो क्या हटाएंगे यहां पे देखते हैं, कुछ इक्वेशन ले लेते हैं, लेट से 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, ओके, ऐसे 5x प्लस 4y इज इक्वल टू लेट से 28। जस्ट मैंने कुछ इक्वेशन मान लिया अपनी तरफ से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे टू फाइंड अवर द वैल्यूज ऑफ x एंड y यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमें सॉल्यूशन ढूंढने हैं, ऐसे सॉल्यूशन को फाइंड करने के मेथड्स कर रहे हैं हम, जिसमें से एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं लिख लेता हूं फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे हम, एक वेरिएबल लेके कोई भी उसको एलिमिनेट करना है, उसको खत्म कर देंगे। देखते हैं, अगर मैं इसको मान लो खत्म कर दूं तो मैं इजिली y की वैल्यू निकाल सकता हूं, मेरे पास सिर्फ ये चीजें रह जाएंगी, ये वाली और ये वाली रह जाएगी, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। या फिर अगर मैं y को खत्म कर दूं सिर्फ x में इक्वेशन रह जाएगी, वहां से x की वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं दोनों की, लेकिन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो 2-5 तो -3x आ जाएगा, वैसे इसमें 3-4y -y आएगा, बट हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो क्या करते हैं, पहले हमें इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को सेम करना पड़ेगा, जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, ताकि आप उसे सब्ट्रैक्ट करो तो वेरिएबल खत्म हो जाए। देखो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को सेकेंड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो व्हाट विल बी माय इक्वेशन, दिस विल बी 10x, फिर 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या बन जाएगा 15y, 24 इंटू 5 दैट विल गिव यू 120, ठीक है जी। अब देखो 2 इंटू 5 10x प्लस 4 इंटू 2 8y इज इक्वल टू 56। अब नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा सब्ट्रैक्शन का, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, बेसिक सर, 10-10 कैंसिल हो गया, 15-8 कितना बचा 7y, 120-56 दैट विल बी 474, राइट। तो यहां से आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई, 74/7, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपकी आएगी, तो इसको एक बार 74/7 रख देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आई y की वैल्यू, बट हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करो इस y को फिर, सो आई विल से पुट y इज इक्वल टू 74/7 इन द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। चलिए देखते हैं, सो 2x प्लस ये क्या बन जाएगा, 74/7 इज इक्वल टू 24, यहां से आपका 24 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 222/7, राइट, इसका एलसीएम ले लीजिए, 168-222/7 यही आएगा, 7×4 28 एंड 2 कैरी दैट विल बी 168, यहां पे बच गया हमारा 2x, 168 में से 222 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 12-8 4 एंड 11-6 5 दैट विल बी 54, राइट, 54/7 -54 आएगा क्योंकि 168 में से 22 ट्रिपल 2 माइनस कर रहे हैं,
सो 2x इज इक्वल टू माइनस 54 बाय 7. यहां से हम बोल सकते हैं दिस विल बी 27 अगर ये x कट गया तो. सो x विल बी इक्वल टू माइनस 27 बाय 7. ये हमारी वैल्यूज रहेंगी x की और y की वैल्यू रहेगी 74 बाय 7. ठीक है, आप चाहो तो आप इसको डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है जी, तो दिस वॉज अबाउट दी एलिमिनेशन मेथड. हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था, दिस वॉज अवर एलिमिनेशन मेथड. आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं. क्या करना है, फर्स्ट स्टेप विल बी टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल सेम. ठीक है, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर रहे हो कोएफिशिएंट सेम कर दीजिए. सेकेंड स्टेप विल बी टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस, जो आपकी इक्वेशन नई वाली इक्वेशन आई है इसको आप थर्ड और फोर्थ लिख सकते हो अगर आप चाहो तो. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को तो एक वेरिएबल रह जाएगा आपका, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आई, उसको फिल कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से या इसमें भी कर सकते हो, तो वहां से आपकी नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी एक्स एंड वाई विल गेट फाइनली बोथ. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको फिल करके चेक कर सकते हो दैट यू आर गेटिंग द करेक्ट वैल्यू और नॉट. ओके, ऑलराइट, तो हम आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर के. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज Find the value of alpha and beta for which the following pair of linear equations have infinite number of solutions. तो ये क्या बोल रहा है? Infinite number of solutions हैं इस equation के. ठीक है, उन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि इस दोनों equations की infinite number of solutions बनेंगे. ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि alpha और beta की value निकालो. यहां पर देखो कुछ unknown constants दिए हुए हैं, alpha और beta, हमें उन दोनों की values निकालनी है. तो देखो अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि लीनियर इक्वेशंस की अगर हमें एक लीनियर इक्वेशंस का पेयर दे रखा है तो वो लीनियर इक्वेशंस का पेयर उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. कब होंगे? जब a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c2. ठीक है, इस पेयर की बात की जा रही थी, इस कंडीशन की बात की जा रही थी कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे. तो यहां पर उन्होंने बता दिया कि दैट दिस इज हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट मींस दिस कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड हियर. ठीक है, तो दैट मींस अगर मैं इस इक्वेशन में ये कंडीशन लगा दूं, देखते लगाते हैं. ठीक है, यहां पर a1 क्या होगा? 2. a2 होगा अल्फा. सो 2 अपॉन अल्फा विल बी इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, ये बराबर होगा हमारा 7 अपॉन 28 के. ठीक है जी, अब देखिए अगर मैं, मुझे चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यू. अगर मैं देखो इस इक्वेशन को इस पार्ट को कंपेयर करूंगा तो इक्वल रखू, सो 2 अपॉन अल्फा विल बी इक्वल टू 7 अपॉन 28. यहां से इधर ही अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. क्या आएगी? अल्फा विल बी इक्वल टू 28 इंटू 2 अपॉन 7. ठीक है, ये लग गया 7 नीचे आ गया. सो 7 फोर जा 28 एंड अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास 8. अल्फा इज इक्वल टू 8. ठीक है, इसको पकड़ के रखो. अब बात करते हैं बीटा की. बीटा के लिए हमें सेकंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला इस चीज के बराबर रख सकते हो या फिर इस चीज को इसके बराबर भी रख सकते हो क्योंकि अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है. ठीक है, तो जैसा आपको ठीक लगे मैं इसको ले रहा हूं. ठीक है, देखिए 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 28. अल्फा की वैल्यू 8, सो 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 28. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहां से 8 प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 3 इंटू 28 अपॉन 7. ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये नीचे आ जाएगा. 7 फोर से 28 कितना हो गया? 12. यहां से बीटा आपका आ गया 12 माइनस 8 दैट इज 4. ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 8 एंड बीटा की वैल्यू. ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दी फाइंडिंग एनी कॉन्स्टेंट वेन द कंडीशन ऑफ
द सोल्यूशन इज गिवन टू यू ऑलरेडी, जब हमारे पास हमें बताया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, कुछ भी है, यूनिक सोल्यूशन है या फिर कोई और केस हो सकता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, जस्ट अप्लाई दैट कंडीशन जो उस केस की कंडीशन थी, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट कॉन्स्टेंट व्हाट दे आर आस्किंग. ठीक है जी, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज दैट अ मैन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर बाय पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार. दैट मीन्स अगर उसका कुछ डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, उसने ये 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ही इज यूजिंग सम पार्ट टू कवर ट्रेन एंड फॉर सम डिस्टेंस ही इज यूजिंग कार. वो कितना है वो हमें आगे पता चलेगा. ठीक है, अब देखते हैं. ही टेक्स 4 आवर्स इफ ही ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन. तो फर्स्ट केस में वो क्या कर रहा है, 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, मतलब बाकी कार से कितना करेगा, ऑब्वियसली 240 करेगा, है ना. मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर वो ट्रेन से कवर कर रहा है, तो 240 किलोमीटर वो कार से कवर करेगा. ठीक है, उन्होंने बोल दिया रेस्ट बाय द कार, बाकी का वो कार से कवर करेगा. इफ ही ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सेकेंड केस में, ट्रेन के केस में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 100 किलोमीटर. ठीक है, बाकी का डिस्टेंस कितना होगा, 200 वो कार से कवर कर रहा है. ठीक है जी, ये दो केसेस दिए हुए हैं. ठीक है, और दोनों के टाइमिंग बताए हुए हैं. देखो, फर्स्ट केस में टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, 4 आवर्स लगेंगे. टोटल टाइम बताया कार का और ट्रेन का टोटल वाला. ऐसे इस केस में टोटल टाइम कितना लगेगा, वो कह रहे 10 मिनट ज्यादा लेगा इस केस में. मतलब 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स. ओके, सो दिस वाज अबाउट द क्वेश्चन. अब हमें ढूंढना है स्पीड्स ऑफ द ट्रेन एंड कार. ठीक है, अब देखो, एक हमारे पास डिस्टेंस है, एक टाइम है. ठीक है, टाइम बताया हुआ है, डिस्टेंस बताया हुआ है, और पूछ क्या रहे हैं, स्पीड पूछ रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स आई हैव द थ्री थिंग्स, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. तो अगर मैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड को रिलेशन बनाऊं तो क्या होगा, क्या मैं लिख सकता हूं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर मैं लिख सकता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इज टाइम. ठीक है, तो देखो, अगर हम बात करें यहां पर फर्स्ट केस की. ठीक है, फर्स्ट केस में टोटल टाइम दिया हुआ 4 आवर्स, राइट. तो अगर मैं टाइम को 4 आवर्स लिख लू, डिस्टेंस कितना है, अब देखो ये 4 घंटे ट्रेन से भी है, कार से भी है, मतलब दोनों का अलग अलग केस लेना पड़ेगा. ट्रेन की स्पीड कुछ और होगी, कार की स्पीड कुछ और होगी. ट्रेन पे कुछ टाइम लगेगा, कार पे कुछ टाइम लगेगा. टोटल टाइम जो है वो 4 घंटे होगा. ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस ले लेते ट्रेन का. अगर मैं ट्रेन की स्पीड, लेट्स से स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, अगर मैं ट्रेन की स्पीड ले लू एक्स किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही अगर मैं स्पीड ऑफ कार ले लू वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन की अगर मैं एक्स किलोमीटर पर आवर ली है, तो मैं डिस्टेंस ट्रेन से उसने कितना कवर किया, 60. स्पीड उसकी एक्स है, टाइम उसका 60 बाय एक्स हो जाएगा, प्लस क्योंकि ये टोटल टाइम है दोनों का, ट्रेन का भी और कार का भी, प्लस क्या करूंगा कार का टाइम. कार का टाइम कैसे आएगा, 240 अपॉन वाई. ठीक है, ऐसी नेक्स्ट केस में बात करते हैं. इस केस में क्या होगा, टोटल टाइम लिया 4 आवर्स और 10 मिनट्स, मतलब उसको लिख सकता हूं मैं 10 बाय 60. ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों केस को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम यूनिट रखेंगे. उसके बाद 100 अपॉन एक्स प्लस 200 अपॉन वाई. इस केस में 100 डिस्टेंस दिया हुआ था ट्रेन का और 200 है कार का, तो 100 अपॉन एक्स 200 अपॉन वाई. ठीक है, इसको सोल्व करते हैं, ये क्या बनेगा, 250 बाय 60, 60 फोर 240 प्लस 10 250 बाय 60, ऐसे हम आ जाएगा ये हमारा 60. ठीक है, इज इक्वल टू 100 अपॉन एक्स
प्लस 200 अपॉन वाई, ये जीरो आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो ये 25 बाय 6 रहेगा। अच्छा अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। देखो हमें ऐसे नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई अगर नीचे हो, हमने अभी तक मेथड पढ़ाया एलिमिनेशन और जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें एक्स और वाई ऊपर थे, डिनोमिनेटर्स में नहीं थे, न्यूमिनेटर्स में थे, तो क्या कर सकते हैं हम, 1 बाय एक्स को मैं लिख लेता हूं यू, 1 बाय वाई को लिख लेता हूं वी, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं आप, कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो। तो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, दैट विल बी 60 यू प्लस 240 वी इज इक्वल टू 4, ठीक है। ऐसी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 100 यू प्लस 200 वी इज इक्वल टू 25 बाय 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, 600 यू प्लस 200 वी इज इक्वल टू 1200 वी इज इक्वल टू 25, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को हमें सॉल्व करना, चलिए देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, 60 यू प्लस 240 वी इज इक्वल टू 4, 600 यू प्लस 1200 वी इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट यूजिंग एलिमिनेशन मेथड इज गोइंग टू बी द इजिएस्ट वन, ठीक है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने करवा दिए आपको, बट दिस विल बी द बेस्ट वन, ठीक है। अब देखो 600 को मैं 60, इन दोनों को सेम करना है तो इसको क्या कर सकता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो दिस विल बी 600 यू प्लस 240 वी, ये तो 2400 बन गया, ये क्या बन जाएगा 40। सेकेंड इक्वेशन को वैसे ही रखते हैं, आपकी चॉइस है, आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट मेरे अकॉर्डिंग दिस विल बी दी बेस्ट वन, कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करो हर सिचुएशन में, ठीक है, वो इजिएस्ट रहेगा। एग्जाम्स में आपको नहीं पूछेगा कि आपको एलिमिनेशन यूज करना है या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। चलिए बेटा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 2400 माइनस 1200 कितना बच गया, 1200 वी, 40 माइनस 25 15, यहां से बी कितना आ गया 15 अपॉन 1200, ठीक है। इसको एज इट इज रखो, यू को फिल कर, अब यू को फाइंड करना है तो इसको फिल कर दो किसी भी इक्वेशन में, लेट्स से मैं फर्स्ट में फिल कर देता हूं, सो पुट वी इज इक्वल टू 15 बाय 1200 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया 60 यू प्लस 240 इंटू 15 अपॉन 1200 इज इक्वल टू 440, सॉरी ये आपका 4 है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 24 5s are 20, 5 3s are 15, तो क्या बच गया, 60 u इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, u कितना आ गया 1 अपॉन 60। अब स्टार्टिंग को याद करो, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, u को लिखा था 1 बाय एक्स और v को लिखा था 1 बाय वाई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझे x और y चाहिए, क्या मैं बोल सकता हूं x मेरा 1 बाई यू होगा, ठीक है, u कितना आया 60, मतलब x मेरा कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसी y मेरा 1 बाई वी हो जाएगा, दैट इज 1200 अपॉन 15, वो कितना होता है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस वॉज अबाउट दिस क्वेश्चन, एक्स और वाई हमने ढूंढा था, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बोला था, आपको स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार चाहिए, हमने स्पीड ऑफ कार ट्रेन को एक्स लिया, स्पीड ऑफ कार को वाई लिया, एंड वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स जो है स्पीड ऑफ ट्रेन थी वो 60 किलोमीटर पर आ आई और कार की स्पीड 120 किलोमीटर सॉरी 80 किलोमीटर पर आ गई, ठीक है। चलिए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टिल देन।